हे गाइस, तो आज हम आपको सिखाएंगे 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना। तो पहले अनस्क्रम्बल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अनस्क्रम्बल हो गया। पहले हमको एक प्लस बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो गाइस ये देखिए, पूरा ये प्लस बन गया। फिर हमको ये मिलाना होगा। पहले ये देखिए, से ब्लू कलर मिल गया, रेड कलर और ये हो गया ब्लू कलर। फिर हम मतलब ग्रीन कलर, और फिर हमको ये ऑरेंज और ब्लू सॉल्व करना होगा। पहले लेफ्ट साइड एक बार दो बार ऐसे घुमा दीजिए, और फिर ऑरेंज के साइड ऐसे मिला दीजिए। फिर ये बन गया। और फिर हमको यहाँ पर और फिर हमको ये यहाँ पर ऐसे ब्लू को यहाँ पर लाना पड़ेगा। फिर ये देखिए, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ये सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर हमको लाना पड़ेगा वाइट, रेड और ब्लू। सो ये देखिए, हमने एक कॉर्नर ऐसे फिल कर दिया, और फिर बाकी के कॉर्नर्स फिल करने होंगे। यहाँ पर वाइट, ग्रीन और ऑरेंज, यहाँ पर वाइट, ऑरेंज और ब्लू, फिर यहाँ पर वाइट, रेड और ग्रीन। तो चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये सॉल्व कर लिया। फर्स्ट लेयर हमारा आसानी से हो गया। फिर सेकंड लेयर की बारी है। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ब्लू और रेड। यहाँ पर ढूंढो कहीं पर ब्लू और रेड है क्या। फिर यहाँ देखिए, हाँ, ये मिल गया ब्लू और रेड। एक बार ऊपर से घुमाइए। फिर यहाँ पर राइट साइड मोड़िए, फिर और इसको नीचे करिए, फिर और ऐसे कर दीजिए, फिर और ऊपर ऐसे। तो ये देखिए, ये बाहर आ गया। ये देखिए, ब्लू और रेड। ये ब्लू से मिल गया। फिर हमको ऐसे राइट लेफ्ट साइड घुमाना होगा। फिर अप, फिर राइट साइड, फिर डाउन, फिर राइट, अप, ऐसे रिटर्न। तो ये देखिए, ये मिल गया। और फिर हम करेंगे अपर ब्लू और ऑरेंज है, ये रहे ब्लू और ऑरेंज। तो ये देखिए, ये ब्लू से हो गया। फिर यहाँ पर ऑरेंज है ना, इसके ऑपोजिट ऐसे करना। फिर यहाँ पर आप, फिर ये इस ऐसे प्रोसेस का कर लेना पड़ेगा। एक ही प्रोसेस है। ये देखिए, ये भी मिल गया। और ये दोनों, अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन, ये सब मैच करते हैं। तो ये देखिए, हमारा सेकंड लेयर बन गया रेडी। फिर हमको ये येलो का प्लास बनाना होगा। तो ये देखिए, हमारा आगे से ही ये लाइन बन चुका है। अगर आपका नहीं बन चुका है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ऊपर ऐसे फेस को यहाँ पर ला दो। फिर इसको ऊपर,
फिर यहाँ इसे लेफ्ट, फिर डाउन, रिटर्न, ए रिटर्न, फिर और ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ रिटर्न रिटर्न। ये देखिए, ये सीधी से एल बन गया एल। फिर एल को ऐसे उल्टा कर लो, फिर ये प्रोसेस। और एक लाइन बन गया, फिर ये प्लस बनाते हैं। तो ये देखिए प्लस बन गया। फिर हमको ये मिलाना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन और रेड आगे से ही सॉल्व हुई है। फिर हमको ऑरेंज और ब्लू का सॉल्व करना है। पहले ऊपर, फिर ऐसे, फिर डाउन, फिर से, और फिर से। ये देखिए ये सॉल्व हो गया और ये नहीं हुआ। फिर ऐसे अब ये हो गया सॉल्व। फिर हमको ये कॉर्नर सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए आगे से ही एक हुई है, लेकिन जो नहीं हुआ है उसको हमको ऐसे ऊपर राइट टर्न, और एक ऊपर, फिर उसको टर्न, फिर उसको डाउन। फिर ये जो है ना, इसको उसके जगह पर ला, और फिर ये ऐसे करते रहिए, फिर ये दोनों मिल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा दो कॉर्नर मिल गया, लेकिन ये दो नहीं। आप ऐसे एक सेंटर ले लो, फिर इसको डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, और ऐसे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। फिर इसको यहाँ पर लाओ, फिर डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप। फिर ये देखिए यहाँ पर ऐसे मैच कर लिया। हो गया हमारा 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व। तो और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।